Все, пойдем сюда. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है, देश की सभी महिलाओं का सर शर्म से झुक गया है, दिल्ली के हर नागरिक का सर शर्म से झुक गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे एक गणमान्य राज्यसभा सांसद बहन स्वाति मालीवाल, जो महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन भी है, उनके साथ मारपीट की गई। और आरोप यह है कि यह मारपीट अरविंद केजरीवाल जी के इशारे के ऊपर उनके पीए वैभव कुमार जी ने की। कई लोग ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा थी और अरविंद केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कुछ लोग और कारण बता रहे हैं, कारण जो भी हो सकता है उस तथ्यों के आधार पर भी नहीं जाना चाहते। लेकिन क्या कोई भी कारण इतना बड़ा हो सकता है कि एक गणमान्य राज्यसभा सांसद को अपने घर पे बुला के पीटा जाए? ये पहली घटना ऐसी नहीं है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को भी इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के घर पे बुला के पीटा गया था। लेकिन आज तो आरोप लगाने वाली खुद आम आदमी पार्टी की एक सदस्य, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक राज्यसभा सांसद और अरविंद केजरीवाल जी द्वारा अपॉइंट की गई पूर्व महिला आयोग की चेयरमैन द्वारा। मेरी अपील है दिल्ली पुलिस से, इस पे कड़े से कड़े कदम उठाए जाए, विभव कुमार को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बहन स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाया जाए। हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। जैसा कि अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट निकाली और लोकसभा चुनाव के लिए जो उन्होंने स्टार प्रचारक की लिस्ट निकाली उसमें जो दिल्ली की माननीय राज्यसभा सांसद है बहन स्वाति मालीवाल जी का नाम उसमें से हटा दिया गया है और उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी का नाम ऐड किया है। सुनीता केजरीवाल जी की सिर्फ एक अचीवमेंट है कि वो केजरीवाल जी की पत्नी है और बहन स्वाति मालीवाल जी ने पिछले 15 साल से हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि पिछले 15 साल से उन्होंने दिल्ली के लिए सामाजिक कार्य किए, महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य किए हैं। दिल्ली में इलीगल स्पास के ऊपर उन्होंने छापे मार के उन लड़कियों को छुड़ाने का काम किया जो इलीगल तरीके से वहां पे जिनसे मसाज कराई जाती थी, नाजायज काम कराए जाते थे और महिलाओं के अंदर एक उनकी पहचान है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने सुबह ही कंप्लेन की थी कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पे उन्हें पीटा गया, उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने उनके पीए के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की। मतलब आप अपने घर में महिलाओं को बुलाकर पीटे, दिल्ली की राज्यसभा सांसद को पीटे, दिल्ली की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा को पीटे और अगर वो शिकायत करें तो आप उनको उस स्टार कंपेनर की लिस्ट से हटा देते हैं और उसके बदले अपनी पत्नी को ऐड करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। दिल्ली की महिलाएं, देश की महिलाएं, पंजाब की महिलाएं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का महिला विरोधी जो चेहरा है देख चुकी हैं और इसका जवाब वो अपने वोट से उनको देगी।